लगता है पेटीएम के दिन अच्छे नहीं चल रहे। तभी तो शेयर बाजार में पिटाई के बाद भारत के केंद्र बैंक यानी आरबीआई से भी पेटीएम को जोर का झटका लगा है। लिस्टिंग प्राइस से अब तक 75% टूट चुका पेटीएम अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। निवेशकों के 78% पैसों को साफ करने वाले पेटीएम ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस लेने के लिए आरबीआई को आवेदन दिया था। ये एप्लीकेशन पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने किया था, लेकिन आज यानी 26 नवंबर को पेटीएम का आवेदन भारत के केंद्र बैंक ने खारिज कर दिया है। अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है और इसका लाइसेंस लेना क्यों जरूरी है ये जान लीजिए। पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहकों से यानी कस्टमर्स से अलग अलग माध्यमों से पैसा एक जगह कलेक्ट करता है, इसको पूल भी कहा जाता है। इसके बाद ये रकम मर्चेंट के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसके बाद मर्चेंट को अलग अलग पेमेंट मेथड से निपटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काम पेमेंट एग्रीगेटर पहले ही कर देता है। बता दें ये नियम साल 2020 में आरबीआई खुद लेकर आई थी, जिससे आरबीआई ने ये कंपलसरी कर दिया था कि सभी पेमेंट एग्रीगेटर उसके द्वारा ही ऑथराइज्ड होंगे। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 30 जून 2021 तक पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने को कहा गया था, लेकिन सभी लोग आवेदन नहीं कर पाए थे। इसके लिए इस डेडलाइन को आगे के लिए बढ़ा दिया गया था। बता दें पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 दिसंबर 2021 कर दिया गया था। अब इस खबर से पेटीएम पर क्या असर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। पेटीएम के मुताबिक इस खबर से उसके बिजनेस और रेवेन्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आदेश केवल नए ऑनलाइन व्यापारियों को जोड़ने पर लागू होगा। पेटीएम ने बताया कि वो नए नए ऑफलाइन व्यापारियों को ऑनबोर्ड करता रहेगा और उन्हें ऑल इन वन क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन समेत सभी भुगतान करने वाली सेवाएं देता रहेगा। वहीं पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर जो भी मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं उन पर भी इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पेटीएम ने ये उम्मीद जताई है कि अगर वो फिर से आरबीआई को आवेदन करेगा तो उसे शायद मंजूरी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को 120 दिनों के अंदर फिर से पेमेंट एग्रीगेटर आवेदन को आरबीआई के पास सबमिट कराना होगा। अब पेटीएम ही कोई इकलौता कंपनी नहीं है जिसको आरबीआई से झटका लगा है। पेटीएम के अलावा आरबीआई ने न केवल मोबीक्विक के आवेदन को रिजेक्ट किया है, वहीं रेजरपे, फाइन लैब्स और सीसी एवेन्यूज को नियम के अनुरूप आरबीआई से अनुमति मिल गई है। वहीं आरबीआई की अनुमति का इंतजार करने वालों की भी लिस्ट लंबी है। बिल डेस्क और पेयू पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की प्रतीक्षा में है। अब जाते जाते पेटीएम के शेयर का हाल चाल भी जान लीजिए। पिछले हफ्ते यानी 17 नवंबर को पेटीएम में लोअर सर्किट लगा था। पेटीएम के शेयर में गिरावट का सिलसिला पिछले एक साल से बदसूरत जारी है। इशू प्राइस के मुकाबले पेटीएम का भाव 78% तक गिर चुका है, यानी आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों का 100 रुपए में से 78 रुपए साफ हो चुका है। पेटीएम की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो 3 महीने में पेटीएम ने निवेशकों को 38% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं 6 महीने में पेटीएम ने 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक साल की बात करें तो ये शेयर अपने उच्चतम स्तर से 68% तक गिर चुका है। अब ब्रोकरेज हाउस पेटीएम के प्रति कैसा रुझान रख रहे हैं ये भी जान लीजिए। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग के साथ पेटीएम के शेयर पर 785 रुपये का लक्ष्य दिया है। सिटी रिसर्च ने पेटीएम के शेयर पर 1055 का टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1100 रुपये का टारगेट दिया है। ICICI सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग के साथ 1285 रुपये का टारगेट दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग के साथ 730 रुपये का लक्ष्य दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।